हेलो फ्रेंड्स, क्रेंस टेक एंड टेस्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे वीडियो के नीचे दिए रेड बटन सब्सक्राइब को दबाएं, साथ ही बेल आइकन को भी। आइए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं बच्चों का और हम सभी के फेवरेट नूडल्स, जो कि कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाते हैं और खाने में लाजवाब होते हैं। आइए देखते हैं हमने क्या क्या लिया है। ये मैंने ली है नूडल्स, मैंने टॉप ब्रांड जो है उसकी नूडल्स ली हैं। थोड़ी सी कैबेज, गाजर, हरी मिर्च जिसको मैंने लंबाई में बारीक काटा है, सॉसेस ली हैं, टमाटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस और अनियन लेना है काफ़ी खूब सारा। सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल करेंगे, थोड़ा नमक और 2 टीस्पून ऑयल डालकर 5 मिनट के लिए हम इन्हें बॉईल करेंगे। 5 मिनट तक इनको बॉईल करने के बाद हम इन्हें ठंडे पानी में 1-2 बार निकालेंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा हम ड्राई करने के लिए, सूखने के लिए रखेंगे ताकि इनका जो पानी है, मॉइस्चर है, वो कम हो जाए। उससे जब हम नूडल्स को बनाएंगे तब ये चिपकेंगी नहीं। इसको चेक कर लेते हैं, जैसे ही ये बॉयल हो जाएंगे हम इनको ठंडे पानी में डालकर निकाल लेंगे और थोड़ा सा ऑयल और डालकर इसको, इसका मॉइस्चर थोड़ा सा ड्राई होने तक रखेंगे। ये मैंने सॉसेस निकाल लिए हैं, टमाटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक, पत्ता गोभी को हमने बारीक बारीक काट लिया है, अनियंस को लंबाई में, एक पैन में हाई फ्लेम पर ऑयल को गर्म करना है। हाई फ्लेम पर ही नूडल्स को बनाया जाता है। प्याज को हमने थोड़ी देर तक 2 मिनट के लिए गरम, बिल्कुल गरम तेल में सौते करना है। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना है ताकि थोड़ा सा इसके अंदर कुरकुरापन बना रहे। ऐड करेंगे पत्ता गोभी जिसको हमने बारीक काटा हुआ है, गाजर, लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च, आप चाहें तो इसमें कैप्सिकम, शिमला मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। लाल मिर्च ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सी तीखा बनाना हो तो आप लाल मिर्च डालें। 2 मिनट ही हमने पत्ता गोभी को गरम तेल में भून लिया है, उसके बाद हमें सॉसेज ऐड करने हैं सारे। फ्लेम को फुल रखें, नमक, विनेगर डालेंगे, मैंने वाइट विनेगर लिया है, लगातार इसको चलाते रहेंगे। नूडल्स जो कि हमारी ड्राई हो चुकी हैं, इसको हम ऐड करेंगे और तेजी से हाथ चलाते हुए मिक्स करना है। नूडल्स अगर थोड़ी भी गीली गीली रहेंगी तो वो गरम, जब हम इसको मसाले में इसमें डालते हैं तो वो चिपकने लगती है, इसलिए ठंडे पानी में से निकालने के बाद थोड़ा सा इनको फैलाकर रखें, जिससे इसका जो पानी है ऊपर ऊपर से सूख जाए पूरी तरह से। 1-2 स्पून ऑयल और डालकर इसको मिलाकर रखें। इस तरह से 2 स्पून की हेल्प से, फॉक से इनको अच्छे से मिक्स करें ताकि जो सॉसेज हैं पूरे अच्छे तरह से मिक्स हो जाए और उनका टेस्ट जो है नूडल्स थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर ले। रेडी हो चुके हैं हमारे नूडल्स, 5 मिनट बॉयल करने में लगे हैं और टोटल 5 मिनट ही हमें इसको बनाने में लगे हैं। तो फ्रेंड्स रेडी है सर्व करने के लिए, बहुत ही टेस्टी बने हैं नूडल्स। बनाइए, बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए, सर्व कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब